क्योंकि सहनशील आत्मा जो होगी उसको दूसरे से कभी भी नेगेटिव दृष्टि या उसके प्रति जो बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति रखो। सहनशील आत्मा की सर्व के प्रति शुभ वृत्ति शुभ कामना होने के कारण शुभ दृष्टि होने के कारण कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जिसका व्यर्थ संकल्प चले। इसलिए सहन शक्ति जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो बाबा की आश है हम सब बच्चों में। वर्तमान समय बाबा की यही आश रहती है। तो व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प इसकी समापति हो। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि व्यर्थ संकल्प जिसके चलेंगे मन की एकाग्रता नहीं होगी। एक हमारा चित्र मैं समझती हूँ अभी भी म्यूजियम में है, बहुत हंसी का चित्र बनाया था। तो जैसे एक वृक्ष दिखाया था और वृक्ष पर बंदर बैठा है। अब बंदर की नेचर क्या होती है? चंचल होता है ना बहुत। तो वो क्या करता है? एक टाली पर नहीं बैठेगा। अभी अभी एक टाली पर बैठेगा, दूसरे सेकंड जो है वो जंप देके दूसरी टाली पर बैठेगा। तो एक चित्र बनाया था, तो जिसके ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलते है ना, वो बिल्कुल ही ऐसे समझो उस समय बंदर के समान यहां से वहां वहां से वहां पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। एकाग्रता नहीं होगी, एकांत में वो बैठ ही नहीं सकेगा। कितना भी आप उसको कहो नहीं अभी आधा घंटा आपको योग में बैठना है, जबरदस्ती हठ योग से बैठ जाएगा, लेकिन उसका मन जो है वो एकाग्र नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। समझेगा कहां आधा घंटा पूरा हो, मिनट गिनता रहेगा, पूरा हो तो उठूं। तो सहन शक्ति जो है वो मन को एकाग्र भी करती। जो मन की चंचलता है ये व्यर्थ संकल्प चंचलता है। तो मन की जो व्यर्थ संकल्प की चंचलता है वो सहन शक्ति वाला जो होगा उसमें नहीं होंगी। इसीलिए सहनशील बनना, सहनशीलता एक जैसे हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो श्रृंगार से मनुष्य जो है वो कितना सुंदर लगता है। वो तो बाहर का श्रृंगार है, लेकिन हमारा श्रृंगार ब्राह्मण जीवन का कौन सा है? ये शक्तियां ही तो है, जिसमें जितनी शक्तियां है उतना वो श्रृंगारी हुई मूर्त लगेंगी। उससे अव्यक्ति भासना आएंगी। इसीलिए सहनशीलता का गुण
बहुत आवश्यक है। सहनशीलता की शक्ति के बिना कोई क्रोध को नहीं जीत सकता। क्रोध को जीतने का विशेष शस्त्र है ही सहन शक्ति।